वो जो सनातन धर्म के सभी देवताओं में सबसे रहस्यमय है, वो जो दया का सागर है और सारे संसार का सच्चा मित्र है, वो जो भगवान ब्रह्मा के सिर पर आभूषण हैं और सर्वोच्च ब्रह्म के अधिव्यक्ति हैं, वो जिसका सब कुछ बेहद आकर्षक और रहस्यमय है, वो अकेला ऐसा है जो अपने भाई बहनों के साथ पूजे जाते हैं, वो अकेला एकमात्र देवता हैं जिन्हें प्राचीन काल से ही भारत में मौजूद सभी प्रमुख धर्मों और परंपराओं में पूजा जाता है। आदिवासी उन्हें नीलो माधव के रूप में दावा करते हैं, हिंदू उन्हें भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के रूप में मानते हैं, जैन उन्हें जिनानाथ मानते हैं और बौद्ध उन्हें बुद्ध मानते हैं। वो हैं जगत के नाथ, प्रभु श्री जगन्नाथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पुरी में भगवान जगन्नाथ के उत्पत्ति और जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखना। कहा जाता है कि सतयुग में इंद्रद्युम्न नाम के एक वैष्णव राजा रहते थे जिनकी राजधानी अवंती से मालवा तक फैला हुआ था, जो वर्तमान का आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। वे भगवान विष्णु के भक्त होने के कारण हमेशा उनके एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन एक यात्रा करने वाले भिक्षु उनके महल में आ पहुंचे और उड्रो देश यानी ओडिशा के बारे में बताते हुए कहा कि विश्ववासु नाम का एक सबर सरदार एक गुप्त गुफा में नीलो माधव के रूप में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। वे इसके बारे में सटीक स्थान या अधिक जानकारी नहीं दे सके, परंतु राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु को देखने के लिए बेचैन हो गए और उड्रो देश का पता लगाने और विश्ववासु को खोजने के उत्सुकता में महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया कि वे नीलो माधव की खोज करें। विद्यापति, जो पहले ही कई देश भ्रमण कर चुके थे, उन्होंने राजा के आदेश अनुसार उड्रो देश की तलाश में निकल पड़े। बड़े ही लंबी यात्रा के बाद विद्यापति उड्रो देश में पहुंचे। वहां वे सबर सरदार विश्ववासु से मिले और अपनी पहचान और उद्देश्य को छुपाते हुए उससे दोस्ती कर ली। वहां रहते हुए उनकी मुलाकात विश्ववासु की सुंदर युवा बेटी ललिता से हुआ। जल्दी उन्हें प्यार हो गया और उन्होंने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। इसके बाद विद्यापति कुछ देर अपने ससुराल में रहे। अपने ससुराल में रहते हुए विद्यापति ने देखा कि विश्ववासु आधी रात को बाहर जा रहे थे और अगले दिन लौट रहे थे और उनके शरीर से चंदन और कस्तूरी की मीठी सुगंध निकल रही थी। विद्यापति ने जब ललिता से इनके बारे में पूछा तो वे पहले तो टाल गई, लेकिन कुछ देर बाद उसने अपने पिता के निर्देशों के खिलाफ खुलासा किया कि उसके पिता नीलो माधव की पूजा करने के लिए जंगल में एक गुफा में जाते हैं। विद्यापति इसी जानकारी की तलाश में थे और उन्हें ये जानकर बहुत खुशी हुई। वे गुफा का स्थान जानने के लिए उत्सुक हो गए ताकि वे इसके बारे में राजा इंद्रद्युम्न को बता सके। फिर उन्होंने ललिता से लगातार अनुरोध किया कि वे नीलो माधव को दिखाने के लिए गुफा में अपनी यात्रा का व्यवस्था करें। पहले तो ललिता ने ये कहते हुए मना कर दिया कि ये असंभव है, क्योंकि उसके पिता कभी सहमत नहीं होंगे। हालांकि कई शुरुआती झिझक के बाद उसने आखिरकार अपने पिता से बात की, जो अपनी बेटी की अनुरोध को मानते हुए अनिच्छा से सहमत हुए। यह निश्चित किया गया कि विद्यापति विश्ववासु के साथ आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा में जाएंगे और नीलो माधव को देखने के बाद भी उसी तरह लौट आएंगे। चतुर विद्यापति ने इस अवसर का लाभ उठाया और गुप्त गुफा तक पहुंचने के रास्ते को याद रखने के लिए चुपचाप अपने लंगोट के एक कोने पर कुछ सरसों के दाने बांध दिया और उन्हें जाने दिया। जैसे ही वे गुफा के रास्ते आगे बढ़े, वैसे वैसे उन्होंने सरसों के दाने गिराते गए। वहां पहुंचकर विद्यापति ने जब नीलो माधव को देखा तब उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। उनका लक्ष्य और उद्देश्य पूरा हो गया था। नीलो माधव की आराधना में थोड़ी समय लगाकर वे लौट गए। कुछ दिन बाद ललिता को विदा करते हुए और उसे अपने घर ले जाने के लिए जल्द ही वापस आने का वादा करते हुए विद्यापति अवंती वापस लौट गए और इंद्रद्युम्न को अपने निष्कर्ष बताए, जो उत्सुकता से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे।
इंद्रद्युम्न ने कोई समय नहीं गवाया और हमेशा के लिए भगवान विष्णु की पूजा करने के अपनी लंबी इच्छा को पूरा करने के लिए नीलो माधव को अपने राज्य में लाने का फैसला किया। उसने अपनी सेना के साथ उड्र देश पर आक्रमण करने के लिए आवश्यक तैयारी की। इंद्रद्युम्न ने उड्र देश पर आक्रमण किया और विश्ववासु को कैद कर लिया, जिन्हें विद्यापति के दुष्ट चालाकी के बारे में पता चला। उन्होंने विश्ववासु को नीलो माधव को दिखाने के लिए गुफा में ले जाने के लिए कहा, जिसे विश्ववासु ने साफ इनकार कर दिया। इसी बीच बारिश का मौसम शुरू हो गया था और विद्यापति द्वारा छिड़के गए सरसों के बीज गुफा के रास्ते में सुनहरे पीले फूल दे रहे थे। फूलों के राह पर चलकर इंद्रद्युम्न को गुफा तक पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं हुई, लेकिन जब वे वहाँ पहुँचे तब नीलो माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा निराश हो गए और गुस्से में पूरे उड्रो देश को घेरने का फैसला किया। अचानक एक तेज सूक्ष्म आवाज आई, हे राजन, आपने मेरे प्रबल भक्त विश्ववासु को कैद करके पृथ्वी पर सबसे बड़ा पाप किया है। इस संसार में मैं तुम्हें नीलो माधव के रूप में दर्शन नहीं दूंगा। विश्ववासु को रिहा करो। इंद्रद्युम्न उदास और मायूस थे, क्योंकि वे भगवान विष्णु को नीलो माधव के रूप में नहीं देख सकते थे। हालांकि दिव्य आदेशों का सम्मान करते हुए उन्होंने विश्ववासु को रिहा कर दिया और खाना पीना छोड़कर भगवान विष्णु की ध्यान में लगे। दूसरी तरफ भगवान कृष्ण ने एक महान जल प्रलय के माध्यम से यदुवंश का अंत किया। तब भगवान कृष्ण के लिए सांसारिक दुनिया को छोड़ने और द्वापर युग का अंत करने का समय आ गया था। इस प्रक्रिया में वे द्वारिका के पास के जंगलों में भटक रहे थे, जब चारा सवर नाम का एक आदिवासी शिकारी ने उन्हें अनजाने में हिरण समझकर अपने तीर से मारा। जब चारा को अपने गलती के बारे में पता चला तब वे रोने लगा और भगवान कृष्ण से उसे क्षमा करने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि ये घटना उनके अवतार को समाप्त करने के लिए पुनर्निर्धारित था। उन्होंने जारा को अपने शरीर को जलाने और राख को समुद्र में विसर्जित करने के लिए कहा, लेकिन जारा उनके शरीर को पूरी तरह से जला नहीं सका। कहा जाता है कि इस आग में उनका दिल या नाभि का भाग जला नहीं था। हालांकि जैसा कि आदेश दिया गया था, उसने कृष्ण के अवशेषों को समुद्र में विसर्जित कर दिया, जो फिर एक दिव्य लकड़ी के रूप में तैरते हुए पूरी के समुद्र तट पर पहुँचा। जब इंद्रद्युम्न ध्यान में थे तब भगवान विष्णु उनके सपने में प्रकट हुए और उन्हें उल्लेख किया कि वे बांको मुहाणों पुरी के पास के एक मुहाणों में लकड़ी के दारू के रूप में समुद्र में तैरते हुए आएंगे और उसमें से अपने स्वयं का रूप और छवि बनाएंगे। जागते हुए इंद्रद्युम्न बांको मुहाणों पहुँचे और शुभ संकेत के साथ उन्हें पवित्र लकड़ी का दारू दिखाई दिया। वे इसे विश्ववासु के सहायता से महल के पास के एक मंच पर ले आए और भगवान विष्णु की मूर्ति को तराशने के लिए कई अनुभवी बढ़ाई और मूर्तिकारों को लगाया, लेकिन कोई भी भगवान विष्णु की छवि को तराश नहीं पाए। राजा इंद्रद्युम्न चिंतित थे कि कैसे भगवान विष्णु को आकार दिया जाए। इसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति अपने आप को अनंत महाराणा बताते हुए महल में पहुँचा, जिसे दिव्य बढ़ाई विश्वकर्मा माना जाता है। उन्होंने राजा को भरोसा दिलाया कि वे मूर्ति निर्माण कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्त पर, कि वे मूर्ति को 21 दिन में बनाएंगे और अकेले ही बनाएंगे, और जब तक वे अपना काम पूरा नहीं कर लेते तब तक उसे कोई भी परेशान नहीं करेगा या महल के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। राजा इंद्रद्युम्न ने उसकी शर्त मान ली और उसने महल का दरवाजा बंद करते हुए काम करना शुरू कर दिया। लोगों को सिर्फ आरी, छेनी और हथौड़ी इत्यादि की आवाजें सुनाई देती थी। इस तरह 2 हफ्ते बीत गया। फिर एक दिन उन्हें कोई शब्द सुनाई नहीं दिया। रानी गुंडीचा उत्सुक और बेचैन हो गई। उन्होंने सोचा कि बूढ़ा आदमी बिना भोजन और पानी के भूख प्यास से मर गया होगा। उसने इंद्रद्युम्न से बूढ़े व्यक्ति को बचाने के लिए दरवाजा खोलने का आग्रह किया। उसके इच्छा के बहुत विपरीत इंद्रद्युम्न ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर प्रवेश किया। राजा ने देखा कि वो बूढ़ा कारीगर गायब हो गया है और अपने पीछे आधा बना 3 मूर्ति छोड़ गया है। इंद्रद्युम्न ने वादा तोड़ने के अपने कृत्य के लिए पश्चाताप किया और अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचा। फिर एक सूक्ष्म आवाज ने घोषणा की, हे राजन, आपने अपना वादा तोड़ दिया है
और समय से पहले दरवाजा खोल दिया है। अफसोस ना करे, अब मैं स्वयं को इसी रूप में भक्तों के सामने प्रकट करूंगा। मुझे यथाविधित स्थापना करो और पूजा करना शुरू करो। स्वयं भगवान विष्णु के आश्वासन पर इंद्रद्युम्न ने नीलाचल पर्वत पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया। मंदिर के अभिषेक और जगन्नाथ की स्थापना के लिए वे फिर अपनी रानी गुंडीचा के साथ ब्रह्मलोक यानी भगवान ब्रह्मा के निवास स्थान गए, भगवान ब्रह्मा को आमंत्रित करने। जब इंद्रद्युम्न और गुंडीचा ब्रह्मलोक पहुँचे, भगवान ब्रह्मा गहरी ध्यान में थे। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मलोक में एक दिन, मर्त्यलोक यानी आकाशीय दुनिया में एक युग यानी मिलियन वर्ष के बराबर होता है। उन्होंने तब तक प्रतीक्षा की जब तक भगवान ब्रह्मा ने अपना ध्यान समाप्त नहीं किया। फिर उन्होंने भगवान ब्रह्मा से मंदिर को पवित्र करने और जगन्नाथ की स्थापना करने का अनुरोध किया। भगवान ब्रह्मा ने निमंत्रण स्वीकार किया और उनके साथ नीलाचल गए। जब तक वे लौटे तब तक एक युग बीत चुका था। इस लंबी अवधि के दौरान इंद्रद्युम्न द्वारा निर्मित मंदिर रेत से ढका हुआ था और एक नया पौराणिक राजा गाला माधव उसके राज्य पर शासन कर रहे थे। एक दिन जब गाला माधव अपने घोड़े पर यात्रा कर रहे थे, घोड़े का खुरा मंदिर के शिखर से टकरा गया। उसने उस जगह की खुदाई की और मंदिर का पुनरुद्धार किया। दूसरी ओर जब इंद्रद्युम्न भगवान ब्रह्मा के साथ लौटे, तब उन्होंने गाला माधव को अपने राज्यों पर शासन करते हुए और मंदिर के मालिक के रूप में दावा करते हुए पाया। उनके बीच विवाद हो गया। भगवान ब्रह्मा से मध्यस्थता और संकल्प करने का अनुरोध किया गया था। भगवान ब्रह्मा के पूछताछ पर यह स्पष्ट किया गया कि इंद्रद्युम्न ने वास्तव में मंदिर का निर्माण किया था, लेकिन गाला माधव ने इसे बचाया था। भगवान ब्रह्मा ने तब अभिषेक के अनुष्ठान को आगे बढ़ाया। इंद्रद्युम्न की भक्ति और उनकी पूजा के लिए महान मंदिर के निर्माण से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को किसी भी वरदान को मांगने के लिए कहा। इस पर महान भक्त इंद्रद्युम्न ने कहा कि भगवान, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दें कि मैं निर्गुण हो जाऊँ, ताकि कोई भी शरीर ये दावा ना कर सके कि आपके मंदिर को उनके पूर्वजों द्वारा बनाया गया था। और यदि भविष्य में आपका मंदिर या आपकी मूर्ति क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाए तो भी आप यहाँ रहेंगे और इस स्थान को नहीं छोड़ेंगे। राजा के प्रार्थना के अनुसार विष्णु ने उन्हें वरदान दिया। लेकिन रानी गुंडीचा जो वहाँ मौजूद थी और सभी को सुन रही थी, प्रार्थना के पहले भाग को सहन नहीं कर सकी, क्योंकि कोई भी महिला निर्विकार नहीं रहना चाहेगी। वे स्वाभाविक रूप से आहत और दुखी थी, जिसे भगवान विष्णु समझ सकते थे। भगवान विष्णु ने उन्हें ये कहते हुए सांत्वना दिया कि वे उनके घर में पैदा हुए हैं, वे उनके बेटे समान हैं और वे उनके माँ समान हैं। वे उसे कभी मना नहीं कर सकते। हर साल रथ यात्रा के दौरान वे उनके पास 9 दिन तक आकर रुकते थे और उनके द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट भोजन को खाते थे। इसलिए रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ गुंडीचा मंदिर जाते हैं और वहाँ 9 दिन बिताते हैं। दोस्तों, रानी गुंडीचा जो देवकी नहीं है कि यशोदा भी नहीं है, बस उस कान्हा ने उनसे वादा किया था, इसलिए हर साल अपना वादा पूरा करने आ जाते हैं। ऐसे हैं भगवान जगन्नाथ, जो अपनी भक्तों की देखभाल के लिए बिना पलकों के अपनी आँखें हमेशा खुली रखते हैं। उनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो और भी देखने के लिए। थैंक यू।